को आह्वान कर सकते हैं। क्लास होने के बाद सारा दिन आह्वान नहीं करेंगे, है? माने तांत नहीं लगी रहेगी आह्वान करने की। जैसे मुसलमान 5 बार याद करते हैं भगवान को, ऐसे नियम बांधेंगे कि क्लास के बाद ही आह्वान करना है। साधु संत होते हैं, धूनी रमाते हैं, वो तो जानते नहीं है। हमारी लगन तो सदैव लगातार होनी चाहिए, तो सिद्धि जल्दी मिलेगी। अल्पकाल का लगाव नहीं। बाहर की दुनिया में खून करके दूसरे के ऊपर डाल करके उसे फंसा देते हैं। इसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है? ये तो जानते हैं। कि खून करना किसको कहा जाता है? ब्राह्मणों की दुनिया में खून करना माना क्या? जैसे स्थूल खून होता है, ऐसे संकल्पों का खून भी होता है। स्थूल खून भी खराब होता है और अच्छा भी होता है, और संकल्पों का खून भी पॉजिटिव भी होता है, अच्छा भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे हैं। जो खून कर देते हैं, गौ कसी कर देते हैं, गौ की हत्या होती है तो कौन सा खून बहेगा? गंदा खून बहेगा या स्वच्छ खून बहेगा? वो तो जानवर गौएं होती हैं, उनके संकल्पों के खून की तो बात ही नहीं है। यहां कौन सी गौएं हैं? है? ज्ञान की गौएं हैं, चैतन्य गौएं हैं। उनका अगर कोई ने खून किया, गौ कसी करने वाले कौन से धर्म में होते हैं? है? मुसलमान धर्म के होते हैं। तो जो गौ कसी करने वाले हैं उनको तो इस बात का पता भी नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में तो जो ब्राह्मण है, देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, वो ये जानते हैं कि हाँ खून का अंजाम क्या होता है। जिसका खून किया जाता है उसके गंदे संकल्प चलने लग पड़ते हैं, गंदे वाइब्रेशन निकलने लग पड़ते हैं, और उन गंदे वाइब्रेशंस का अनेकों के ऊपर असर पड़ता है। जो जो उनके संग के रंग में आवेगा क्या बनेगा? है? क्या बनेगा? लंपट ही बनेगा। तो दुनिया वैश्यालय बनाई या शिवालय बनाई? वैश्यालय बनाई।
लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि गौ कसी करते खुद हैं, मारते खुद हैं, हत्या खुद करते हैं और डाल देते हैं दूसरे के ऊपर, तो और ज्यादा पाप हुआ या थोड़ा पाप हुआ? और ही ज्यादा पापी बन जाते हैं। और यहां ब्राह्मणों की दुनिया में तो ये होता ही रहता है, ज्ञान भी छोड़ करके चले जाते हैं, खुद भी डूबते हैं औरों को भी डुबा देते हैं। और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाए देते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और सुबह का अमीर शाम का फकीर, इसका बेहद का क्या मतलब है? चौबीस घंटे होते हैं, उसमें रात भी है और दिन भी है। रात होती है ज्ञान की और दिन होता है ज्ञान का। ज्ञान के दिन का रिजल्ट होता है सतयुग और त्रेता, और अज्ञान का रिजल्ट होता है द्वापर और कलयुग। सारे कल्प को 24 घंटों में बांट दिया जाता है, जिसे कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो देवताएं कौन से युग में होते हैं? सतयुग में होते हैं। उस सतयुग को कहा जाता है सवेरा, और ये सतयुग की शुरुआत सतयुग से ही होती है। यह संगम युग से भी शुरू हो जाती है, हैं? हाँ, संगम युग में ही स्वर्णिम सतयुग भी समाया हुआ है। यहां सतयुग का फाउंडेशन पड़ता है। उस फाउंडेशन के टाइम पर कौन सी आत्माएं हैं जो सबसे जास्ती अमीर बनती हैं? संगम युग में वो कौन सी आत्माएं हैं जो दुनिया की सबसे बड़ा साहूकार बनती हैं? है? लक्ष्मी नारायण, उनके लिए ये बात बोली गई है कि सुबह का अमीर और जब शाम होती है अंधेरा हो जाता है, रात के 12 बजते हैं, 1976 होता है, तो दुनिया का सबसे गरीब बन जाता है। गरीब क्या करते हैं? होटलों खोटलों पर सोते रहते हैं, घर घर में जाकर के रोटी टुकड़ खाते रहते हैं। तो सुबह का अमीर और शाम का फकीर बन जाते हैं। और प्रश्न आया है, जो सूर्यवंशियों की माँ है वो बेसिक वालों की भी माँ है क्या?
बेसिक सब कब से शुरू हुआ है? 1936 से। और एडवांस कब से शुरू हुआ? 76 से। तो जो बेसिक में यज्ञ के आदि में जो बेसिक वाली आत्माएं थी, और उनमें से सूर्यवंशी आत्माएं सूर्य के पीछे पीछे चली गई, यज्ञ के आदि में राम भी था और कृष्ण चंद्र भी था, कौन रह गया और कौन चला गया? सूर्यवंशी आत्मा चली गई, तो पीछे पीछे सूर्यवंशी भी सारा चला गया, कौन रह गए? चंद्रमा रह गया और चंद्रवंशी रह गए। तो वहां मां रह गई होगी, सूर्यवंशी होगी है? अरे सूर्य गया तो सूर्य के पीछे पीछे मां भी चली जाती है, सूर्य आता है तो सूर्य के पीछे पीछे मां भी आती है। अब सूर्यवंशी मां चली गई तो कौन कौन से वंश के रह गए? मां भी चला गया, बाप भी चला गया, तो और कौन कौन से वंश के हैं जो रह जाते हैं? चंद्रवंशी रह जाते हैं, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की गोद में पलने वाले, ब्रह्मा से वरदान लेने वाले आसुरी संप्रदाय के लोग रह जाते हैं। असुरों को वरदान किसने दिए? ब्रह्मा ने दिए। ब्रह्मा की गोद में असुर पलते रहते हैं। तो बेसिक में जो पल रहे हैं ब्रह्मा के शरीर छोड़ने तक, वो कौन कौन से वंश के हुए? क्या कहेंगे? और अब तक भी पल रहे हैं, शरीर छोड़ने के बाद, मम्मा बाबा का शरीर छोड़ने के बाद, वो सूर्यवंशी आत्माएं जो पहले पहले शरीर छोड़ के चली गई थी, वे फिर दोबारा यज्ञ में आती हैं। बेसिक में पलती जरूर हैं, लेकिन उनके अंदर प्रश्न उठ खड़े होते हैं। कि ये ईश्वर का कैसा पार्ट है? संसार में जिस ईश्वर की पूजा होती है, मान्यता है, सारी दुनिया जिस ईश्वर को मानती है, वो ब्रह्मा कैसे हो सकता है? ईश्वर तो पुरुष रूप में आता है। ये गुलजार दादी में भगवान कहां से आ गया? उन आत्माओं को संक्षेत्र के बाद डायरेक्ट बाप से ज्ञान की रोशनी मिल जाती है। बाप भी प्रत्यक्ष होता है ज्ञान सूर्य के रूप में, और बच्चे भी प्रत्यक्ष होते हैं।
तो जो सूर्यवंशियों की माँ है वो भी प्रत्यक्ष होती है। तो सूर्यवंशी बच्चों में भी जो बीज है वो अलग अलग धर्मों के बीज हैं। कोई मोटे छिलके वाले हैं, देह अभिमान का छिलका मोटा है, कोई का बिल्कुल काला छिलका है, कोई का पतला छिलका है, कोई का सफेद छिलका है, हल्का छिलका है। तो जो हल्के देह अभिमान वाले हैं एडवांस में भी वही पहचानते हैं, पूरी तरह से पहचानते हैं, तो तेजी से आकर्षित होते हैं। बाकी बेसिक वालों की तो बात ही नहीं है, बेसिक वाले सूर्यवंशियों की मां को कैसे पहचानेंगे? न पहचानेंगे न मानेंगे, क्योंकि उनको तो उस लिस्ट में आना ही नहीं है जो संगमयुगी स्वर्ग में राज्य लेते हैं। अमृत वेले का तीव्र पुरुषार्थ करके दुनिया का ऊंचे से ऊंचा पद लेने वाले बनते हैं। बेसिक वालों में चंद्रवंशी है, उन चंद्रवंशियों में भी परसेंटेज है, और धर्म की आत्माएं ढेर की ढेर हैं। कहेंगे 90% 80% और धर्म के हैं बेसिक में, और 10-15% मात्र चंद्रवंशी हैं सच्चे, जो ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाले हैं। नहीं तो कोई दीदी को फॉलो करेंगे, कोई दादी को फॉलो करते हैं, कोई दादा को फॉलो करते हैं। जो जिसको फॉलो करते हैं उसी की बात मानते हैं। मुरली बोला है जो जिसकी बात मानते हैं वो उसी धर्म के हैं। तो सूर्यवंशियों की मां को फॉलो करने वाले वहां कहां से आवेंगे? सूर्यवंशियों की मां को तो पहचानेंगे भी नहीं, तो उनकी मां कैसे हो जाएगी? सूर्यवंशी तो हैं ही बहुत थोड़े, 500-700 करोड़ की दुनिया में सूर्यवंशियों की संख्या कितनी है? है सतयुग में 4.5 लाख जन्म देने वाले और 4.5 लाख उनसे जन्म लेने वाले, टोटल 9 लाख की संख्या है। जो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं उनमें भी जो जन्म लेने वाले हैं वो आखिरी चंद्रमा को ही फॉलो करते हैं, चंद्रमा को फॉलो करते हैं। तो चंद्रमा की रोशनी में ही सितारे बनकर के चमकते हैं। सूर्य की रोशनी में जो सितारे होते हैं वो तो अपने को प्रत्यक्ष ही नहीं करते। किसको प्रत्यक्ष करते हैं? बाप को ही प्रत्यक्ष करेंगे। स्वार्थ की भावना जैसे होती ही नहीं है, ना के बराबर।
कोई व्यक्ति गलती नहीं करता है फिर भी कहते हैं ये आपकी गलती है, जबरदस्ती ऐसा क्यों कहते हैं? जो कहता है ये आपकी गलती है और जो शिकायत करता है कि हमारी गलती नहीं है, ये दोनों मिलकर के फैसला करेंगे या फैसला करने वाला कोई अलग होना चाहिए? है? फैसला करने वाला तो अलग होना चाहिए, तीसरा व्यक्ति फैसला करेगा। और व्यक्ति तो फैसला करते ही नहीं है, या दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला, फैसला करने वाला आखिरीन धर्मराज कौन है? हा? धर्मराज युधिष्ठिर, जो अंत तक युद्ध में स्थिर रहता है, स्वर्ग में जाता है, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। कोई कितना भी कहे मैं नहीं गलती नहीं करती, मेरे ऊपर जबरदस्ती इल्जाम लगाया गया, तो भी वो प्रूफ सहित साबित कर देगा कि तुम ही ने की। अथवा कोई कितना भी कहे, कितना भी इल्जाम लगाए कि ये गलती तुम्हारी ही है, ये और किसी की गलती नहीं है, तो भी धर्मराज ही फैसला करेगा कि दोनों में से गलती करने वाला कौन है और कौन नहीं है, कौन झूठ बोलता है कौन सच्चा बोलता है। अब फैसला ही नहीं करेगा, सजा भी देगा कि तुम गलत इल्जाम लगाते हो, अथवा फैसला देगा कि तुम गलती करने के बावजूद भी मानते नहीं हो कि ये मेरी गलती है, बाबा को बीच में डाल करके पूछते भी नहीं हो कौन सी गलती की बात हो रही है। नहीं तो आपस में टकराव होता है तो अपनी बात बाबा के सामने रखना चाहिए ना। परिवार है, परिवार में कुछ नीचे ऊपर बातें होती हैं, अशांति होती है, दिल के अंदर अशांति चलती रहती है, तो उसको खलास करना चाहिए। बाबा के सामने रखेंगे तो बाबा बतावेंगे कि ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार गलती किसकी है और किसकी गलती नहीं है। क्या क्या बोला? ब्रिटिश का पार्ट बाबा का है, पूछो 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 क्या लिखा है, तब तक दूसरा देखते हैं। बाबा कहते हैं ये सहज राजयोग की पढ़ाई बहुत सहज है, फिर कहते हैं ये ज्ञान विचित्र है, फिर कहते हैं ये ज्ञान बहुत अटपटा खटपटा चटपटा है। फिर ये अनेक तरह की बातें क्यों हैं? एक ही बात पक्की होनी चाहिए ना कि बाबा का ज्ञान बहुत सहज है, सहज राजयोग है, सहज पढ़ाई है, लेकिन बीच में माया भी तो है, वो सहज को क्या बना देती है, कठिन बना देती है,
अगर पक्का पक्का श्रीमत पर ही चलते रहे माया के चंबे में ना आवे तो सहज पढ़ाई होगी या कठिन होगी? सहज ही सहज होगी, पढ़ाई भी सहज होगी और याद भी सहज होगी। और याद का रिजल्ट भी सहज सहज निकलेगा। बाबा कयामत के समय चारों काल ही काल मंडराएगा। उस समय जो जिस धर्म के होंगे वो सब प्रत्यक्ष हो जावेंगे और अपने अपने कंट्रोल में करना चाहेंगे। सभी को उस समय में समझ में नहीं आएगा कि हम किसकी मत पर चलें। ऐसा होगा, सभी को ऐसा होगा है? सभी को होगा या कोई ऐसे भी होंगे जो पक्का पक्का निश्चय बुद्धि होंगे कि हमें किसकी मत पर चलना है? कौन होंगे वो? जो सूर्यवंशी होंगे वो अंत तक सूर्यवंशी बाप को ही फॉलो करेंगे। वो किसी के बहकावे में नहीं आ सकते। जो और धर्म के होंगे वो नहीं समझेंगे कि हमें किसकी मत पर चलना है। न समझने के कारण धोखा खाएंगे और मरबिल्ला के चिल्ला के खत्म हो जाएंगे। हाय हाय की स्टेज में शरीर छोड़ देंगे। उन सूर्यवंशियों में ऐसे भी सूर्यवंशी होंगे जो बाप को पहचानने वाले हैं, जो चंद्रवंश से कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बन जाते हैं। बाकी और धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो तो सूर्यवंशी बनेंगे ही नहीं, वो फिर भी दीदी दादी दादाओं को फॉलो करेंगे। ऊपर से आने वाली आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है, वो आत्मा कितना समय तक रहेगी? ऊपर से आने वाली आत्मा पावरफुल होती है या जिसमें प्रवेश करती है वो नीचे वाली आत्मा पावरफुल होती है? जो नीचे वाली आत्मा है तमो प्रधान होती है, कमजोर होती है, और ऊपर से आने वाली आत्मा पावरफुल होती है। तो जो पावरफुल आत्मा है वो नीचे वाली को अपने तरीके से चलाएगी। उसकी बात नहीं चलने देगी और वो तब तक उस शरीर में रहेगी जब तक उसको पूरा संग का रंग उस तमो प्रधान आत्मा का न लग जाए। भले ऊपर से आने वाली तमो प्रधान वो सतो प्रधान आत्मा है, फिर भी वो भगवान तो नहीं है। भगवान है नहीं, उसको संग का रंग तो जरूर लगेगा और संग का रंग जितना तेजी से लगेगा उतना तेजी से पतित तमो प्रधान बनेगी। और फिर उस आत्मा से जुदा हो जाएगी, अलग हो जाएगी।
देवताएं गर्भ में 9 महीने रहते हैं। ये किसने बोला? कई मुरली में बोला कि देवताएं 9 महीने गर्भ में रहते हैं। अरे देवताएं तो छोड़ो, मनुष्य आत्माएं भी गर्भ जेल में 9 महीने नहीं रहती हैं। कितना रहती हैं? ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने। उनको तो सजाएं खानी है दुष्कर्मों की, हिसाब किताब सजा खा करके पूरा करना है। इसलिए त्राहि त्राहि करती है, हमको बाहर निकालो। तो देवताएं तो कोई पाप करते ही नहीं, परमधाम से डायरेक्ट आने वाली सतो प्रधान आत्माएं, उनको इतना लंबा टाइम तक गर्भ में रहने की क्या दरकार है? तो ये किसी ने मनमत निकाली है क्या कि देवताएं 9 महीने गर्भ में रहते हैं? ऐसे नहीं है। और वो जन्म कैसे लेते हैं? जन्म कैसे लेते हैं माना? कैसे जन्म लेते हैं का क्या मतलब पूछने का? वो तो क्लियर ही नहीं है। माने रो रो के जन्म लेते हैं या खुशी खुशी जन्म लेते हैं? कैसे का मतलब क्या है पूछने वाले का, ये पता चले ना। है वो गर्भ से नहीं आएंगे तो गले में से आएंगे? संशय की क्या बात है? वो है बुद्ध रूपी पेट, जहाँ संगम युग में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। सूर्यवंशियों के अलावा बाकी चंद्रवंशी से लेकर के सारे ही वंश वाले, धर्म वंश वाले बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। यहाँ बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके पाठ बजावेंगे और संसार में प्रत्यक्ष होंगे कि हमारा ये पाठ है, और वहां इस पेट से जन्म लेकर के पाठ बजावेंगे और प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे, संसार में जन्म लेकर के पाठ बजावेंगे। बाकी ऐसे थोड़े कि किसी का कंधे से जन्म होगा, जैसे शास्त्रों में दिखाई दिया ब्रह्मा के मस्तक से जन्म लिया, ब्रह्मा के अंगूठे से जन्म लिया, ब्रह्मा की नाक में से जन्म लिया, मुंह में से जन्म लिया, आंख में से जन्म, ऐसा थोड़ा ही होता है। ये तो शास्त्रकारों ने अपनी मनमत निकाली है और उस मनमत का उनको अर्थ का पता नहीं है। स्वर्ग के बारे में देवताओं के बारे में क्लैरिफिकेशन देना, क्योंकि वहां घर नहीं, कपड़े नहीं, कोई काम धाम नहीं, एक दो से बातें करते हैं तो कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं? वो कुदक कुदक के चलते हैं कि सांप की तरह रंग रंग के चलते हैं? सब बातों का जवाब चाहिए। पहली बात, वहां देवताओं को घर होता है या नहीं होता है? दुनिया में जो भी काम होते हैं उसका कोई कारण होता है या नहीं होता है? कि बिना कारण के कोई कार्य हो जाता है, होता है कि नहीं? कोई कारण होता है तो काम होता है, कारण ही नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा।
तो कारण ढूंढना चाहिए कि स्वर्ग में देवताओं को घर बनाने का कोई कारण है या नहीं है। कोई कारण नहीं है, है? कोई कारण नहीं। क्यों? सर्दी लगेगी कि नहीं और गर्मी लगेगी कि नहीं, बरसात होगी, पत्थर पड़ेंगे तो क्या करेंगे? ऐसा तो वहां कोई कारण नहीं होगा। कैसा? कि वहां प्रकृति जो है वो तमो प्रधान बने, मनुष्य यहां तमो प्रधान बनते हैं तो प्रकृति भी तमो प्रधान बनती है। तमो प्रधान बनती है तो दुखदायी बनती है। यहां भी जो तमो प्रधान होते हैं वो दुख देते हैं, सतो प्रधान होंगे तो सुख देते हैं। अब क्या करना चाहिए? फैसला क्या हुआ कि वहां प्रकृति सतो प्रधान है, सब प्रकार का सुख मुहैया करती है, वहां प्रकृति दुख देने वाली होती नहीं, तो फिर घर बनाने का कोई कारण ही नहीं। दूसरी बात, वहां देवताओं में देह अभिमान होता है, है? यहां तो मनुष्यों में देह अभिमान होता है, देह अभिमान के कारण चोरी चकारी करते हैं, छुप छुप के गंदे काम करते हैं, तो कपड़े पहनते हैं। वहां ऐसे गंदे काम करेंगे, छुपने का काम करेंगे, कोई से नजर बचा के काम करेंगे? कुछ है नहीं। वहां तो देवान का नाम निशान नहीं होता है, वहां तो अपने को क्या समझेंगे? हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, हम शरीर है ही नहीं, शरीर की स्मृति ही नहीं है कि देखें बंद करो ढको ढको, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां। और शरीर भी बहुत सुडौल होता है, यहां तो क्या है, चेहरा बड़ा मोहरा, चेहरा बढ़िया, और अंगों की तरफ नजर जाएगी तो उसको ढकते हैं। वहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वहां शरीर के सारे ही अंग बड़े सुडौल, देखने में बहुत सुंदर आते हैं देखने में, लेकिन उसमें लगाव नहीं जाता किसी का, आत्मा की तरफ लगाव जाता है। यहां तो देहभान है, वहां कोई भी प्रकार का देहभान होता ही नहीं, तो कपड़ों की दरकारी नहीं, तो वहां ना घर होता है और ना कपड़े पहनने की दरकार है, शरीर ही वस्त्र है आत्मा का, ये शरीर रूपी वस्त्र से ये आत्मा ढकी हुई रहती है। भले इन आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन मन से दिखाई देती है। और देवताओं को बोला कोई काम नहीं, अरे काम महाशत्रु है या महादोस्त है? वो तो महाशत्रु है, ये तो न हो तो अच्छा है। आज भी जो बड़ी बड़ी नौकरियों पर रहते हैं, छोटी नौकरी पर रहने वाले भी हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हमको कोई काम धाम न करना पड़े, हम थक जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, खेलते हैं, तब नहीं थकते,
मस्ती मारते हैं तब नहीं थकते। तो दुनिया में सब लोग मस्ती मारना चाहते हैं या काम धाम करना चाहते हैं? पहले परिवार का एक सदस्य कमाता था, काम करता था, और बाकी सारे सदस्य बैठे बैठे खाते थे। आज परिवार का हर सदस्य काम करता है, नौकरी करता है, धंधा करता है, दुकान चलाता है, व्यापार करता है, तो भी पेट पूर्ति नहीं होती। समझते हम कहां बंधन में फंसे हुए हैं। और खुदा न खास्ता कहीं ईश्वरीय ज्ञान में आ जाएं, तो वो दुनिया के धंधे और ही बंधन महसूस होते हैं। तो दुनिया में कोई नहीं चाहता कि हम काम धंधे में उलझे रहें। सब क्या चाहते हैं? खेलें, कूदें, मस्ती मारें, सारंगी बजाएं, हारमोनियम बजाएं, बांसुरी बजाएं, और क्या चाहेंगे? तो देवताएं क्या करते हैं? देवताएं भी मस्ती मारते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं, खेल खेलते हैं, ड्रामा करते हैं, नाटकबाजी करते हैं, चित्रकारी करते हैं। संगीत विद्या में पारंगत होते हैं। ये खराब काम है क्या? ये तो आनंद देने वाले काम है, इनमें तो थकान होती ही नहीं। थकान नहीं होती तो वहां नींद भी नहीं होती। और यहां तो यहां सारा दिन काम करो, धंधा करो, नौकरी करो, कितना नींद आती है। एक दूसरे देवताएं बातें करते हैं, तो कैसे करते हैं? अरे त्रेसठ जन्म से बातें करने का स्वभाव पक्का हो गया है देवहानि के कारण। इसलिए बातें बनाना बहुत अच्छा लगता है, बातें करने में बड़ा मजा आता है। वास्तव में सतयुग में तो देवान होगा ही नहीं, वहां आत्मा पावरफुल होगी। आत्मा के वाइब्रेशन से एक दूसरे को देखने से ही समझ जाएंगे कि क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है। आंख के इशारे की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। चलो ये चले खेलने, इशारे की भाषा होगी, वहां बोलचाल की भाषा नहीं होगी। तो जो इस दुनिया में है वो वहां नहीं होगा, और जो वहां होता है वो यहां नहीं होता है। सूर्यवंशी मां बच्चों से मिलने मिनी मधुबन में कब आवेगी? है? क्यों, माँ को बच्चों से मिलना नहीं चाहिए? है क्या मिनी मधुबन में नहीं आना चाहिए? और मिनी मधुबन में इस्लामी बच्चे बैठे हों और यूरोपवासी ट्रां ट्रां करने वाले सारा दिन बैठे हों, अशांति फैलाने वाले बैठे हों, माँ का तो स्वभाव शांत रहने का है, तो डटेगी। शास्त्रों में दिखाते हैं सूर्यवंशियों की मां जब शनि लोक में जाती है तो चारों तरफ मरते जाते हैं, पिटते जाते हैं, रोते जाते हैं, चारों तरफ से गंदी गंदी आवाजें आती हैं, डरावनी, तो धड़क जाता है उसका दिल। शनि लोक से भाग खड़ी होती है, मैं नहीं रह सकती इस वातावरण में।
तो मिनी मधुबन में या मिनी मधुबनों में सूर्यवंशी माँ को बुलाना है तो क्या करना पड़े? वातावरण शांत बनाना पड़े।